कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शंस का शेड्यूल निकाला गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए। और ये उधमपुर जिला जो है हमारा वो थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस में आएगा, जिसमें 5 सितंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन की जाएगी जब से नॉमिनेशन फाइलिंग की शुरुआत होगी। 12 सितंबर तक नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे, 13 सितंबर को स्क्रूटनी की तारीख है और 17 सितंबर तक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन रहेगा और 1 अक्टूबर को यहाँ पे डेट ऑफ पोल रहेगी। तो आप सभी के माध्यम से मैं स्केड्यूल लोगों की जानकारी के लिए देना चाहती हूँ। और उधमपुर जिले में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, रामनगर और चिनैनी। और हमारी चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 654 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें हम इस बार कई यूनिक इनिशिएटिव्स भी लेंगे, जिसमें कि वुमेन पोलिंग स्टेशन रहेगा, स्पेशल डिसेबिलिटी वोटर्स द्वारा चलाया गया पोलिंग स्टेशन रहेगा, यूथ मैन पोलिंग स्टेशन रहेगा और ग्रीन पोलिंग स्टेशन रहेगा। सभी पोलिंग स्टेशन में AMF अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की सुविधा रखी जाएंगी। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि वो जरूर इस इलेक्शंस के महोत्सव का हिस्सा बने और 1 अक्टूबर 2024 को जब उधमपुर में पोल होगा तो वो बढ़ चढ़ के हमारा साथ। किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशंस हैं कि वो वोटिंग के लिए टर्न आउट उनमें कम रहा, तो वो एनालिसिस करते हुए हम अपनी स्वीप स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से डिवाइस करेंगे। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड और हर वोटर को हर तरह की सुविधा मिले ताकि वो पोलिंग स्टेशन में आके अपना वोट जरूर कास्ट करें।